हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव प्रिंस। मैं हूँ आप लोगों का प्रिंस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मेरे चैनल में सेकेंड टाइम एक फ़ोन का अनबॉक्सिंग होने वाला है, जो कि है सैमसंग A52s 5G, जिसका आप लोगों के बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो मैंने ऑफलाइन मार्केट में जाके इसको अनबॉक्सिंग किया है, कौन सा मार्केट है और कौन सा आप लोगों को ऑफर मिलेगा उस मार्केट में, मतलब उस शॉप पे, उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताऊँगा वो वीडियो के लास्ट में। एक बहुत बढ़िया सा पैकेज है आप लोगों के लिए, वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद सिनेमैटिक देखेंगे, उसके बाद थोड़ा डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो की ओर। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आप लोगों को इसका प्राइसिंग के बारे में थोड़ा क्लियर कट आइडिया देना चाहता हूँ। ये आप लोगों को ऑनलाइन में मिल जाएगा 36,000, मतलब 6GB जो वेरिएंट आता है इसका 36,000 का आता है, ठीक है? और जो 8GB वेरिएंट आता है ये आप लोगों को मिल जाएगा 37,500 में, ठीक है? मतलब 1,500 ज़्यादा है। और ऑफलाइन में ये आप लोगों को कितने में मिल जाएगा मैं आप लोगों को वीडियो को लास्ट में बताऊँगा, और थोड़ा ऑफर्स एंड EMI ऑफर्स के बारे में ही बताऊँगा, ठीक है? तो आप लोग अनबॉक्सिंग वीडियो एंजॉय कीजिए और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो अभी हम लोग करेंगे सैमसंग A52s 5G का अनबॉक्सिंग। बॉक्स के साइड में आप लोगों को कुछ इस तरह का ब्रांडिंग दिखने के लिए मिल जाएगा, और कुछ डिटेल्स भी दिखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन में पढ़ सकते हैं। क्या डिटेल्स पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये रहा सैमसंग का फोटो, मतलब सैमसंग A52s 5G का फोटो। ये व्हाइट कलर में है। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल चाकू ले लेते हैं, मतलब एक मिनी चाकू, जिससे हम लोग इसका सिल को ब्रोक करेंगे। तो हो गया सील ब्रेक। इसके बाद इसको खोलते हैं और देखते हैं कंपनी से इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, मतलब फ़ोन छोड़ के बाकी क्या क्या चीज़ दिया गया है, और उसके बाद मैं आप लोगों को फ़ोन दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाता है एक डब्बा, मतलब एक बॉक्स के अंदर और एक छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल लटका हुआ दिख जाएगा आप लोगों को सबसे पहले। और इसके अंदर बहुत सारा कागज़ दिया गया है, जो कि क्विक स्टार्ट गाइड्स हैं। आप लोग चाहिए तो इसको पढ़ भी सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम है आप लोगों के पास, और वारंटी कार्ड भी है, आप लोग देख ही सकते हैं। और छोड़ देते हैं इसको, आजू बाजू में फेंक देते हैं। और सबसे दुख की बात है, इसके अंदर कोई भी बैक कवर नहीं दिया गया है सैमसंग की तरफ से। सैडली आप लोगों को एक बाहर से एक कवर लेना पड़ेगा। अगर आप लोग फ्री में कवर लेना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिए। और ये रहा आप लोगों का सैमसंग A52s 5G, जिसका बैक साइड बहुत गजब है, कैमरा सेटअप भी देख सकते हैं। Nice. तो इसके ऊपर वाला जो कवर होता है उसको हटाने के बाद देखते हैं कि फ़ोन को एक्चुअली दिखने में कितना गॉर्जियस लगता है। तो अभी हम लोग इसका कवर हटाते हैं, अभी इसका कवर हटाएंगे, लेकिन कैसे हटाएंगे थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। अच्छा भैया, इसका जो कवर है इसको कौन सा साइड से इसको हटाना पड़ता है? तो इस साइड से इसको खोला जाता है, आप लोग भी जब खोलेंगे इसी साइड से आप लोग इसका कवर को हटाएंगे, ठीक है? तो मेरे से गलती हो गया है, तो आप लोग ऐसा गलती मत करना। और देखते हैं इसका बैक साइड। एक्चुअली मैं इसका बैक साइड के लिए बहुत फ़िदा हो गया हूँ, क्योंकि इसका जो कैमरा का सेटअप है, फोर कैमरा का सेटअप है, बहुत गजब का लगता है, मतलब एक फ्लैगशिप फ़ोन की तरह लगता है। इसका जो बैक साइड है प्लास्टिक का है, कोई फिंगरप्रिंट नहीं पड़ेगा। तो इसको दे देते हैं एक्टिवेशन के लिए ऑन करके, और बाकी देखते हैं इसके अंदर, मतलब इसका जो बॉक्स है उसके अंदर कौन सा चार्जर दिया गया है। तो इतना महंगा फ़ोन है, 37,000 का ये फ़ोन है, मतलब करीब करीब 37,000। इसके अंदर आप लोगों को एक नॉर्मल से USB पोर्ट, मतलब USB केबल दिखने के लिए मिल जाएगा, और एक 15W का फास्ट चार्जर आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा, जो थोड़ा इंक्रीज़ कर सकता था सैमसंग, लेकिन सैमसंग ने नहीं किया सैडली। तो ये रहा चार्जिंग पोर्ट इधर, और ये ऊपर एक ब्रांडिंग दिया गया है फास्ट चार्जिंग का।
आशा करता हूँ आप लोगों को सिनेमेटिक शॉट बहुत बढ़िया लगा होगा, सच में बढ़िया लगा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को मिल जाता है प्लास्टिक बैग, जो कि पुराना वाला में मिलता था, सेम टू सेम ही है, और जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक ही है, लेकिन ये कोई चीप प्लास्टिक नहीं है, आप लोगों को बहुत प्रीमियम फील हाथ में देगा, ठीक है। तो इसका जो वेट है 189 ग्राम इसका वेट है, और इसका जो सिम स्लॉट है ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर, जो कि कान के अंदर बहुत अच्छा फीलिंग्स देता है, मतलब समझ ही सकते हैं कान के अंदर फीलिंग्स देता है, बाकी दूसरा कुछ मत समझना, बार बार मैं बता रहा हूँ। और 6GB 8GB इसका वेरिएंट आ जाता है रैम का, जो कि LPDDR4X है, ठीक है। और स्टोरेज कैपेसिटी UFS 2.1, जो कि बहुत प्रीमियम फील देगा आपको। और एक सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, IPS 67 रेटिंग है इसका, मतलब डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन। आप लोग इसको बारिश में लेके जाइए, पानी के अंदर फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डस्ट में भी फेंक सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कि इस फोन के अंदर क्या क्या चीज़ नया दिया गया, वो जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरा सब्सक्राइब का जो काउंट है वो भी नया हो जाएगा। तो जान लेते हैं क्या क्या चीज़ नया दिया गया है इस फोन के अंदर। सबसे पहला बात, एक नया प्रोसेसर दिया गया है, जो कि है स्नैपड्रैगन 778। एक तगड़ा वाला फीलिंग्स देगा जब आप हेवी गेमिंग करेंगे या वीडियो एडिटिंग करेंगे। और बाकी 5G इसके अंदर 12 बैंड दिया गया है, जो कि आने वाला जो 5G का जितना भी बैंड आएगा ये सपोर्ट कर ही लेगा, आप लोग ले ही सकते हैं ये वाला फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्प्ले का जो टच रिफ्रेश रेट है, पहले वाला में था 90, इस वाला में आ गया 120Hz, ठीक है। बहुत फ्लुएंट आप लोगों को एक टच रिफ्रेश रेट का फीलिंग्स मिलेगा, आप लोग इस फ़ोन को ले सकते हैं और बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस वाला मतलब फीलिंग्स गेन कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, इसमें आप लोगों को मिल जाता है 4500 mAh का बैटरी, जो कि पूरा दिन तक तो सप्लाई दे देगा आपको, मतलब अगर आप लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ का यूज़ करते हैं ठीक ही है, लेकिन हेवी गेमिंग करते हैं तो आप लोगों को 6 या 7 घंटा तक दे ही देगा, ठीक है। और जो चार्जिंग का कैपेसिटी है 25W का सपोर्टेड है फ़ोन, लेकिन बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाता है 15W का बस नॉर्मल चार्जर। तो अभी बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में, इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है 64MP का प्राइमरी कैमरा, जो कि सोनी का IMX सेंसर का है। और इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि 12MP का है, और 5MP का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, और 5MP का मैक्रो कैमरा मिल ही जाएगा। मैक्रो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, मेरा पर्सनल चॉइस है। और फ्रंट में आप लोगों को मिल जाएगा 32MP का सेल्फी कैमरा, जो कि आप लोगों का बुके इफेक्ट एक दिया गया है, वो आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिला, थोड़ा बहुत सैम्पल शॉट लिया हूँ, एक मैक्रो का लिया हूँ और एक वाइड एंगल का और एक नॉर्मल शॉट लिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी टाइम आ गया इसका कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया, बहुत पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और कंक्लूजन में आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ये फ़ोन थोड़ा ओवर प्राइस्ड है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग लेना चाहते हैं सिर्फ 5G ओरिएंटेड, मतलब इसमें 5G एडेड है और 120Hz एडेड है, ठीक है, और बाकी तो कुछ भी नहीं है अलग, तो इस फ़ोन की तरफ आप लोग जा सकते हैं इतना पैसा देके। अगर आपको 5G भी नहीं लेना है और 120Hz भी नहीं लेना है, तब आप लोग 4G वाला फ़ोन ले लीजिए, मतलब सैमसंग A52 4G, वो वाला आप ले लीजिए। तो मैं ये आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आपका पैसा सेव करने के लिए, नहीं तो आप लोग ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं इससे भी ज़्यादा, तो सैमसंग S20 FE ये वाला फ़ोन ले लीजिए, ये वाला फ़ोन भी बहुत गजब का है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट कीजिए, तो उधर बातें साथे करेंगे। जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर है वीडियो की एंडिंग में, और ऑफलाइन स्टोर के बारे में भी मैं बताऊँगा जिधर आप लोगों को ये ऑफर मिल जाएगा, जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ रेनबो मोबाइल सेल्स एंड सर्विसेज को, जो मुझे इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग करने के लिए मौका दिया है। तो ऑफ़र क्या है आज का, आज का जो ऑफ़र है,
अगर आप लोग मेरा चैनल का नाम लेके इस स्टोर से, मतलब मैं हल्दिया से हूँ, जो कोई भी मेरा वीडियो हल्दिया से देख रहा है या हल्दिया के बाहर से देख रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स नीचे दे के रखा हूँ। अगर आप लोग इस स्टोर से ये वाला फ़ोन को परचेस करता है तो आप लोगों को ये वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह का एक बैक कवर फ्री में मिल जाएगा और बहुत गजब का EMI का ऑफ़र भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए परचेस कीजिए, ऑफ़र को ग्रैब कीजिए जितना जल्दी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।